तो स्वागत है आपका ट्रैकिंग ऑन फूड एंड ट्रैवल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों हम एक बार फिर से दरभंगा टावर पे हैं और दरभंगा टावर पर आज हम ट्राई करेंगे पटियाला हाउस, पटियाला पराठा ट्राई करेंगे, पटियाला पराठा हाउस का। इनका ये फेमस पराठा है और लोग बड़े चाव से खाते हैं, यहाँ पे भीड़ लगी रहती है। दरभंगा टावर पर जब हम आए तो लोगों ने कहा कि इनका बहुत पराठा फेमस है, आप इनका एक बार ज़रूर बनाइए। तो हम आ गए इनके ठेले पर, ठेले का नाम इन्होंने रखा पटियाला पराठा हाउस। पटियाला पराठा क्यों रखा है चचा? इसलिए कि हम लोग पटियाला में ही काम करते थे, पहले पटियाला में काम करते थे। और हाँ, यहाँ कब से काम कर रहे हैं? यहाँ 5.5 साल से। 5.5 साल से काम कर रहे हैं। तो आप क्या क्या देते हैं पटियाला पराठा के साथ? पटियाला पराठा के साथ सब्जी तो रोज चेंज होता है। सब्जी रोज चेंज करते हैं? रोज चेंज करते हैं। हाँ। और दो पराठा सब्जी 35 रुपये में देते हैं। दो पराठा और सब्जी 35 रुपये। उसके अलावा भी कुछ देते हैं क्या? प्याज वगैरह, सलाद, प्याज होता है, चटनी होता है, मिर्ची यहाँ दिख रहा है हमको। हाँ। और जीरा राइस 40 रुपये प्लेट है। जीरा राइस 40 रुपये पर। तो आप अभी बनाइए, पराठा लगाइए हमारे लिए एक प्लेट। हाँ, आज क्या चीज़ का सब्जी बना हुआ है आज दिखाइए? चना दाल का बड़ी है ये, आज चना दाल का बड़ी बना हुआ है। चना ये आप देख सकते हैं, ये आप कब बनाते हैं? ये सुबह सुबह बनाते हैं? सुबह 4 बजे बनाते हैं, 4 बजे उठ के बनाना शुरू करते हैं। तो 4 बजे सुबह में बनाते हैं। और ये ठेला कब से लगाते हैं? 7 बजे सुबह से लगाते हैं, 3 बजे तक। 7 बजे सुबह से 3 बजे तक। अच्छा काम कर रहे हैं आप। चलिए लगाइए आप पराठा। ये आप देख सकते हैं कि पराठा सेका जा रहा है। और यहाँ पीने के लिए फिल्टर पानी मिलता है। पीने के लिए फिल्टर पानी? फिल्टर पानी मिलता है। ये पानी का लगा हुआ है? हाँ, सब लगा हुआ फिल्टर पानी है। सब फिल्टर पानी है। ये 35 रुपये का हो गया दो पराठा। 35 रुपये का दो पराठा। दो पराठा सब्जी चटनी प्याज मिर्ची। और एक पराठा अगर एक्स्ट्रा लेना हो तो उसका हाफ मतलब 18 रुपये। 18 रुपये। आलू पराठा है। ये आलू पराठा है। सादा पराठा भी लगाते हैं क्या? लच्छा पराठा, लच्छा पराठा भी बनता है। अब कितने तरह का पराठा यहाँ बनाते हैं आप? सत्तू पराठा, पनीर पराठा, आलू पराठा और लच्छा पराठा। पनीर पराठा बनाते हैं ना? हाँ, पनीर बनाते हैं। अभी पनीर अवेलेबल नहीं है, लेकिन पनीर अभी थोड़ी देर में आएगा। अच्छा, पनीर पराठा अगर किसी को देते हैं तो वो कैसे प्लेट होता है? वो 80 रुपये प्लेट है, दो पीस। दो पराठा पनीर पराठा 80 रुपये के, साइज इससे डबल होता है। साइज इससे डबल? हाँ, मतलब ये 4 तो वो 2। ये हो गया अपना जीरा राइस। ये क्या चीज़ का चटनी है? ये धनिया का चटनी है। ये धनिया का चटनी आप देख लीजिए। और ये राइस, जीरा राइस है ना? ये जीरा राइस। तो ये हमारे पास आ चुकी है आलू पराठा की थाली। और देख रख सकते हैं आप कि दो आलू पराठा है इसमें। आलू बड़ी की आज सब्जी बनी है, तो वो सब्जी है, धनिया की चटनी है और प्याज और एक भुना हुआ मिर्ची। तो आइए टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसा बना है। सही है, नॉर्मल पराठा की तरह है। और आलू बड़ी जो बनाया गया है वो भी कुछ ज़्यादा वो नहीं है टेस्ट में, लेकिन नॉर्मल जैसे आप घर में बनाते हो वैसा ही टेस्ट है। धनिया का चटनी मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, तो धनिया का चटनी मेरा वैसे भी फेवरेट है और हेल्दी भी काफ़ी है धनिया का चटनी। बाद बाकी सारा चीज़ ओके है, आप खा सकते हैं सुबह के नाश्ते में। अगर आप दरभंगा टावर पर आते हैं तो इनके यहाँ आप नाश्ता कर सकते हैं, पराठा, सब्जी और धनिया का चटनी, प्याज, एक भुना हुआ मिर्ची के साथ। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको फूड और ट्रैवलिंग से रिलेटेड और भी कई इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिलती रहेगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।